हेलो दोस्तों, मैं रतनदीप, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और उसे प्ले स्टोर से एप्स इंस्टॉल करने नहीं आता है, या फिर वो अगर प्ले स्टोर पे कोई किसी भी एप्स को सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अगर आपसे बोले कि मुझे किसी एप्स का लिंक शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, तो दोस्तों आप कैसे किसी एप्स का लिंक प्ले स्टोर से आप अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से प्ले स्टोर से किसी भी ऐप्स का लिंक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी भी मेल पे आप कैसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी ऐप्स को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैसेंजर में या मेल में या कहीं भी शेयर करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आप जिस भी ऐप्स को शेयर करना चाहते हैं उसे आप यहां पर सर्च कर लेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे टिकटॉक को व्हाट्सएप में शेयर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टिकटॉक को सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी शेयर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस ऐप्स को शेयर करने के लिए आप जिस भी ऐप्स को शेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास भी कहीं भी शेयर लिखा हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इस ऐप्स को शेयर करने के लिए आप यहाँ सबसे ऊपर में 3 डॉट बिंदु देख रहे हैं, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि शेयर लिखा हुआ है, तो हमें शेयर पे क्लिक कर लेना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास आप जैसे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप, मैसेंजर, इसे थोड़ा सा और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं जीमेल वगैरह, या आप जहाँ भी चाहें शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जैसे व्हाट्सएप में शेयर, मतलब फेसबुक में जैसे आपको शेयर करना है इस ऐप्स को, तो यहाँ पास फेसबुक लिखा हुआ आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो फेसबुक में शेयर करने के लिए यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कॉपी टू क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है। तो जब आप कॉपी टू क्लिप बोर्ड में आप क्लिक करेंगे तो इस ऐप्स का लिंक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद सिंपली से आप उसे फेसबुक में जाके उसे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद आप आसानी से वो फेसबुक में उस ऐप्स को शेयर कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पास जैसे हमें व्हाट्सएप में इस ऐप्स को किसी को शेयर करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद दोस्तों, यहाँ पास आप जिसे भी चाहें उसे आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे एक ग्रुप है मैन यू, इस पे मुझे सर्च करना है, मतलब शेयर करना है, तो उसके लिए दोस्तों मैं मैन यू ग्रुप पे क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों, इसे मेन यो ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं कि नीचे में इस ऐप्स का लिंक ऑटोमेटिक यहाँ पास कॉपी होके पेस्ट हो गया है। अब इसे इस ग्रुप में सेंड करने के लिए मैं यहाँ पास नीचे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से किसी भी ऐप्स को प्ले स्टोर से कहीं भी शेयर करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, कहीं भी शेयर करने के लिए आप इस तरह से आप भी शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।